राधे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं ओल की सब्जी बनाऊंगी। इसको अच्छे से धुल के काट लूंगी। ये देखिए, मैंने अच्छे से छील के और ये काट लिए हैं और धुल भी लिया है। ये देखिए, मैंने थाली में निकाल लिया धुल के और इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कर लिया। दोस्तों, काटने से पहले हाथ में नमक और तेल लगा लीजिएगा। ये देखिए, मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया था, तेल गर्म हो चुका है, तो इसमें जीरा और धनिया डाल दिया, साथ में तेज पत्ता भी डाल दूंगी। अब ओल डाल दूंगी इसमें। ये देखिए, अच्छे से तेल के साथ फ्राई करूंगी दोस्तों। इसको अलग से मसाले भून के नहीं डालूंगी मैं ग्रेवी में, साथ में ही मसाले भी भूनूंगी और इसी तेल में ओल को भी फ्राई कर लूंगी मैं। ये देखिए, तेल के साथ इस तरह से भून लूंगी मैं अच्छे से, और कम से कम ढक दूंगी 10 से 12 मिनट के लिए सीम आंच पे। जब तक ये इधर सीज रहे हैं थोड़े थोड़े, मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। ये मसाले मैंने जीरा, धनिया, काली मिर्च और अदरक, हरी मिर्च, इन सभी का पेस्ट बना लिया है। ये देखिए, और ये मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। मैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। ये देखिए, अगर आप प्यूरी बना के डालना चाहें तो आप प्यूरी बना के डाल सकते हैं। मैं काट के ही डालूंगी, प्यूरी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे कटा हुआ टमाटर की सब्ज़ी ज़्यादातर अच्छी लगती है, तो मैं काट के ही डालूंगी। आपको जैसा अच्छा लगेगा आप डाल लीजिएगा। मैंने काट लिए तीनों टमाटर को, और चलिए देखते हैं सब्ज़ी का क्या हाल है। ये देखिए, सब्ज़ी थोड़ा फ्राई हो चुका है। इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी मैं। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, जितना आप खाते हैं उतना डालें। ये देखिए, मैं अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। अब नमक को अच्छे से मिक्स कर दूंगी ओल के साथ। ये देखिए दोस्तों, नमक को मिक्स करने के बाद मैं फिर से ढक दूंगी कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए, क्योंकि इसको पकने में टाइम लगता है। मैं फ्राई नहीं करूंगी, इसी में मसाले भी भून दूंगी और सब्ज़ी हमारी बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस तरह से बना के देखिएगा। ये देखिए, थोड़ा फ्राई भी हो चुका है और मैं थोड़ा चेक करके देख रही थी, हल्के हल्के पक रहे हैं। अब मैं इसमें हल्दी डाल दूंगी, एक छोटा चम्मच। ये देखिए, हल्दी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लूँगी। दोस्तों, जीविकन कहीं पे बोलते हैं, कहीं पे ओल बोलते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइएगा। और ये मैंने जो पेस्ट बनाए थे उसको डाल के अच्छे से भून लूँगी। मसालों का भूनना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, और मैं यहाँ पे ढक दूँगी कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए। ये देखिए, 4 से 5 मिनट हो चुका है और मसाले भी थोड़े थोड़े भून चुके हैं, तेल भी अलग हो रहा है धीरे धीरे, तो मैं इसको थोड़ा चला लूँगी। ये देखिए, और ये 50% पक चुके हैं। अब मैं इसमें टमाटर मिला दूँगी, जो मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर काटे थे। टमाटर को भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी सब्जी के साथ। ये देखिए, अब मिक्स करने के बाद मैं टमाटर को भी सब्जी के साथ फिर से ढक दूंगी 2-3 मिनट के लिए, जब तक टमाटर हमारे ना पक जाए, अच्छे से ना गल जाए। दोस्तों, ये देखिए, टमाटर अब हमारे गल चुके हैं, कहीं पता भी नहीं लग रहा है, ये अच्छे तरीके से गल गए हैं। तो मैं इसको थोड़ा फिर से भून लूँगी। मसाले भी बहुत अच्छे खुशबू आ रहे हैं मसालों से, और ये भून चुके हैं। ये देखिए, और ये पूरी तरह से पक चुके हैं, 90% तक ये पक चुका है अब हमारा सब्जी। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से एक बार बना के देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। मैं यहाँ पे गर्म पानी डाल रही हूँ दोस्तों। सब्जी में हमेशा आप गर्म पानी ही डालें, बहुत अच्छी स्वाद भी आती है सब्जी की और इसका कुकिंग प्रोसेस रुकता नहीं है। ये देखिए, मैं अपने ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल रही हूँ, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से पानी डालिएगा। मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो मैं थोड़ा और डाल रही हूँ, 1 कप तक का पानी और मैंने डाल दिया। अब मैं इसको 5-6 मिनट के लिए ढक के पका लूँगी। ये देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी सब्जी मेरी बॉयल हो चुकी है। दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देख के आप लोग भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना,
तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए सब्ज़ी कितनी अच्छी बन के तैयार हो गई है। ये देखिए मैं चेक कर रही, तब ये पूरे पक चुके हैं, अब इसमें कोई कसर बाकी नहीं रहा है। एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, कोई झंझट नहीं लीजिएगा फ्राई करने का, बस साथ में ही मसाले वगैरह भून दीजिएगा तो सब्ज़ी बहुत अच्छी बन जाएगी। मैंने धनिया ऐड कर दिया और धनिया को भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी सब्ज़ी के साथ। ये देखिए, तो आप लोग भी बनाइए और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। ये देखिए सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी है। ये देखिए बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे कृष्णा।